जम्मू कश्मीर के भद्रवाह इलाके ने बनाई नई पहचान, लेवेंडर की खेती का राजधानी बना भद्रवाह, अरोमा मिशन 3 का हुआ इफ्तिताह, किसानों को और होगा फायदा, बढ़ेगी आमदनी। भदरवा में हाल ही में हुए लेवेंडर फेस्टिवल के अंदर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अरोमा मिशन 3 का आगाज किया है। इससे इस इलाके को एक और नई पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का भदरवा इलाका इन दिनों लेवेंडर की रिकॉर्ड खेती की वजह से शोहरत बटोर रहा है और पर्पल रेवोल्यूशन को फरोग दे रहा है। इसके साथ ही ये इलाका लेवेंडर की राजधानी और स्टार्टअप डेस्टिनेशन भी बन चुका है। वाजह हो कि अरोमा मिशन 3 का मकसद पहाड़ी इलाके और गांव में रहने वाले किसानों को अरोमा की खेती करने की तरफ राकिब करना है, ताकि वो किसान अरोमा की खेती अपनाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सके। अरोमा मिशन 3 की इफ्तिताही तकरीब के दौरान मरकजी वजीर ने कहा कि भदरवा लेवेंडर की खेती के लिए जमीनी और माहौलियाती एतबार से बेहतरीन मकाम है और हमारी सरकार की तरक्की की बेहतरीन मिसाल भदरवा की वादी है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान किसान स्टार्टअप ऑनर और कारोबारियों ने अरोमा मिशन 3 के आगाज के लिए मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इससे अरोमा और लेवेंडर की खेती को नई बुलंदी मिलेगी, किसानों का बहुत फायदा होगा। अरोमा मिशन के नोडल साइंटिस्ट डॉक्टर सुमित ग्यारोला ने कहा है कि अरोमा मिशन 3 की वजह से इंडस्ट्री और किसान दोनों एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे और इससे अरोमा इंडस्ट्री और इससे मुतालिक सभी लोगों को बहुत फायदा होगा। तीसरे फेज में अब हम एक अलग लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को ना सिर्फ प्लांट मटेरियल दिया जाए, कैसे उसको प्रोसेस करना चाहिए ये बताया जाए, बल्कि इसके साथ साथ उनको वैल्यू एडिशन मार्केटिंग की भी मदद दी जाए। साथ में उनके ऐसे क्लस्टर बनाए जाएँ, सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर्स, जहाँ पर इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, जीरो वेस्टेज हो, जो भी मटेरियल निकलता है प्लांट से हर उस प्लांट का वो प्रोडक्ट बना सकें, और उसके साथ साथ उनको वहीं पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट खास तौर पे जो इनसे बनाए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जा सके और एग्री स्टार्टअप्स को मदद की जा सके। हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब यहाँ पर 3 फेज का जो ऐलान किया है उससे हमारे जितने भी फार्मर नौजवान और जो पिछड़े हुए फार्मर थे, जो अपनी खेती बाड़ी जो छोड़ गए थे, तो वो इस 3 फेज से तो उनका बहुत उत्साह बढ़ गया है और इससे जो है हमारे नौजवान इसमें काम कर रहे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो ये अनाउंस हुआ है अरोमा मिशन 3 का, इससे फार्मर बहुत खुश है। ये हमारी ईद की तरह है, अरोमा मिशन फेज जो 3 आ गया है तो बहुत खुशी है इसमें फार्मर को, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जो अभी तक हम कल्टीवेशन में आए हैं, डिस्टिलेशन में आए हैं, वैल्यू एडिशन में हैं, इसको इम्प्रूव करने में अरोमा मिशन 3 का काफ़ी योगदान रहेगा, काफ़ी फ़ायदा होगा उससे, तो आज फार्मर काफ़ी खुश है इससे। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड इससे टूरिज्म भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट लाएगा, क्योंकि हर जगह ये चीज़ कि सबको नेचर से साथ में रहना है, तो यहाँ का वैसे ही वातावरण माहौल इतना सुंदर और शांति है, तो सब टूरिस्ट यही चाहेंगे कि हम पीसफुल जगह जाए, लेवेंडर के बीच में रहे, और ये इनसे आने से कई टूरिस्ट भी दुकानों से या किसानों से मतलब डायरेक्टली फील्ड्स पे जाके देख के और वहाँ पे उनके जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं वो परचेस करने की भी क्षमता रखते हैं। मुझे समझ आ रहा है कि जैसे अभी हम इंटरनेशनल में आए तो इंटरनेशनल मार्केट ही पूरा देख रही हूँ, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। अब जैसे ये बोले कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और कॉस्ट कटिंग करेंगे, उससे क्या होगा कि फार्मर्स का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा, उनको बेनिफिट उससे मिल जाएगा और हमें एक कॉस्ट मिल जाएगा कि हम मार्केट में सर्वाइव कर सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट में।